यस इट इज़ पॉसिबल। हाँ ये बिल्कुल ही मुमकिन है कि मृत्यु के बाद भी आप अपने किसी और फॉर्म में जीवित हो सकते हैं, मींस आपके बच्चे पैदा हो सकते हैं। पर इसके जो राइट्स हैं वो सिर्फ आपके स्पाउस को होंगे, और इसको करने के लिए आपको अपने एम्ब्रियोज एम्ब्रियोज फ्रीज करोगे। अगर आपकी शादी हो रखी है तो आप अपने एम्ब्रियोज फ्रीज कर सकते हैं। एंड कुछ पेशेंट्स शादी के पहले या अगर हस्बैंड ने स्पर्म नहीं दिया हो उस वक्त, तो वो अपने गैमेट्स भी फ्रीज किए होते हैं, जैसे स्पर्म फ्रीज किए होते हैं या एग फ्रीज किए होते हैं। उन केस में भी उसको फर्टिलाइज करके फिर बच्चे पैदा हो सकते हैं। कितने भी समय तक इसे लंबा फ्रीज करके रखा जा सकता है, स्पर्म हो या एग हो या एम्ब्रो फ्रीज हो। अभी जो लेटेस्ट हमारे पास पेपर्स हैं वो बोलते हैं कि पुराने 25 to 30 years स्पर्म्स भी यूज़ हुए हैं। फ्रीजिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो ह्यूमंस के लिए एक बून की तरह आया है। क्रायो प्रिजर्वेशन उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं। क्रायो प्रिजर्वेशन आपके स्पर्म के हो सकते हैं, ओसाइट्स के हो सकते हैं मीन्स अंडों के हो सकते हैं, एंड एम्ब्रियो के हो सकते हैं मीन्स भ्रूण के हो सकते हैं। इनको फ्रीज करने के लिए आप पूछोगे इंडिकेशन क्या है, मीन्स कौन फ्रीज करा सकता है। ये सबसे पहले ये जो साइंस स्टार्ट हुई है IVF के केस में स्टार्ट हुई, क्योंकि एक IVF साइकिल जब हम करते हैं पेशेंट का, अगर किसी भी वजह से हस्बैंड प्रेजेंट नहीं है तो उनके स्पर्म्स हम पहले से फ्रीज कर लेते हैं। एग भी हम फ्रीज कर लेते हैं अगर हस्बैंड का स्पर्म नहीं आया उस दिन एंड हस्बैंड अवेलेबल नहीं था, तो फिर धीरे धीरे एग फ्रीजिंग की कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुई। एग फ्रीजिंग हालांकि काफ़ी नया है, स्पर्म फ्रीजिंग काफ़ी साल से हो रही है। एंड देन एम्ब्रियो फ्रीज भी हम करते हैं, जब IVF करते हैं एक्स्ट्रा भ्रूण बनते हैं तो उन एम्ब्रियोज को हम क्रायो प्रिजर्व या फ्रीज कर लेते हैं। अब इस ये जो पद्धति थी इसकी फिर मूलतः इसको आगे चल के जो पेशेंट्स कैंसर के पेशेंट्स थे उनके लिए ये यूज़ किया गया, और ये उनके लिए काफ़ी हद तक एक बून है। एक ऑन्को फर्टिलिटी करके कॉन्सेप्ट हुआ जिसमें हम सारे कैंसर के पेशेंट्स का फ्रीज करते हैं, एंड कीमोथेरेपी लेने के पहले मीन्स जो कैंसर की प्रक्रिया शुरू होती है, इलाज शुरू होती है, वो बेसिकली टॉक्सिक होती है गैमेट्स के लिए। टॉक्सिक गैमेट्स को कर देते हैं तो आगे वो प्रेगनेंसी होने के चांसेस कम हो जाते हैं। उन पेशेंट्स को कीमोथेरेपी रेडियोथेरेपी रिसीव करने के पहले उनके गैमेट्स हम फ्रीज कर लेते हैं। स्पर्म के केस में स्पर्म फ्रीज हो जाता है, एग के केस में एग फ्रीज करते हैं। एग फ्रीज करने के तरह तरह के वेज होते हैं। फर्स्ट ये होता है कि हम एग को स्टिमुलेट करें मीन्स इंजेक्शंस लगाएं। इंजेक्शंस लगाने के बाद उनको हम नॉर्मल जैसे IVF करते हैं वैसे अंडे निकाल करके फ्रीज कर लें। दूसरा ये होता है अगर पेशेंट के पास टाइम नहीं है तो वो क्या करते हैं, तो हम लैप्रोस्कोपिकली ओवेरियन टिश्यू निकाल करके ओवेरियन टिश्यू की फ्रीजिंग कर सकते हैं। एंड तीसरी अगर तब भी टाइम नहीं होता है तो पेशेंट का हम ओवेरियन ओवरीज जो होता है उसको हम ट्रांसपोज कर देते हैं, मीन्स उसके जगह से हटा के कहीं और कर देते हैं, जो कि पेशेंट को कीमोथेरेपी रेडियोथेरेपी का इफेक्ट नहीं हो ओवेरियन टिश्यू पे एंड पेशेंट आगे माँ बन सके। स्पर्म फ्रीजिंग के लिए सेम होता है, पेशेंट इजैक्यूलेट करके स्पर्म देता है। अगर लड़के हों मीन्स छोटे बच्चे होते हैं वो नहीं दे पाते हैं तो उनके केस में हम लोग इलेक्ट्रो इजैक्यूलेटर्स हैं वो यूज़ करते हैं एंड उनसे स्पर्म रिट्रीव करके उसको फ्रीज करते हैं। कुछ पेशेंट जो स्पर्म नहीं दे पाते हैं वो बहुत स्ट्रेस में आ जाते हैं, कैंसर की डायग्नोसिस होती है या किसी और वजह से, उनके केस में जो टेस्टिकुलर टिश्यू होती है उनकी फ्रीजिंग करते हैं। टीजा टीजी करके हम टेस्टिकुलर टिश्यू निकाल करके उसकी फ्रीजिंग करती है। एंड एम्ब्रियोस तो हम बना करके जैसे IVF लैब होता है, एंड कुछ पेशेंट्स ओसाइट के लिए अगर तैयार नहीं होते हैं फ्रीजिंग के लिए तो उनके एग हम डोनर स्पर्म से मिक्स करके वो एम्ब्रियो बना के फ्रीज कर लेते हैं, और या फिर हस्बैंड के स्पर्म से मिक्स करके हम फ्रीज करके रख लेते हैं। जैसे भी पेशेंट्स की जो अनुमति होती है उसके अनुसार हम करते हैं, और इनके कानून बहुत सख्त होते हैं, इसलिए ये एक तरह से आप सोचो कि ये जो एम्ब्रियोज बनते हैं वो किसी के बच्चे होते हैं, तो उनको हम इस तरह से इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, उनको हमें फ्रीज करके प्रॉपर कैंस में नंबर करके रखने होते हैं। अगर आप ये सोचते हो कि वो मिक्सिंग होती है तो ऐसी कुछ भी मिक्सिंग नहीं होती है, वो बहुत ही पर्टिकुलर होती है, उनके सारे रजिस्टर्स मेंटेन होते हैं एंड क्रायो कैन में नंबर करके स्पेसिफिक क्रायो कैंस में रखे होते हैं। जब आप वापस हमारे पास आते हो, बेशक कितने भी साल बाद वापस आते हो, तो वो आपके गैमेट्स आपको वैसे ही मिल जाएंगे और आप उसको यूज़ कर सकते हो, उसकी आप प्रयोग कर सकते हो आगे अपनी अपने आप को ग्रो करने मींस आगे बच्चे पैदा करने के लिए। इस क्रायो बैंक की मदद से 20-20 साल तक युगल अपने भ्रूण स्पर्म और एग को फ्रीज करवा सकते हैं। दुर्भाग्य से यदि इस बीच उनकी मौत हो जाती है तो उनके भ्रूण को सैरोगेसी के माध्यम से जन्म दिया जा सकता है। सैरोगेसी अर्थात किराए की कोख, यह भी एक अनूठा विषय है, इस पर फिर कभी चर्चा करेंगे। अब आपको एक ऐसी बीमारी से रूबरू कराते हैं जो मूलतः गलत जीवन शैली और काफी तनाव के कारण होता है, लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक।